ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे उस रोमांचक मैच की, जब ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेटली अपने रफ्तार के घमंड में चूर होकर भारतीय खिलाड़ियों से पंगा ले रहा था और वो लड़ने झगड़ने पर भी उतर आया था। उस मैच में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब होती है, जहां ब्रेटली ने पहले ओवर में ही सौरभ गांगुली को आउट किया और फिर महज 9 रनों के स्कोर पर क्रिकेट के भगवान सचिन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। और तब सचिन और गांगुली को आउट करके ब्रेटली समेत पूरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी घमंड में चूर होकर ऐसे उछल रही थी मानो भारत ये मैच हार जाएगा। लेकिन फिर जब टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपना औकात दिखाना शुरू किया तो ब्रेटली समेत पूरी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को धागे खोल खोल करके पीटा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस धमाकेदार मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। ये कहानी है साल 2007 की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई सीरीज का ये निर्णायक मुकाबला मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खेला जा रहा था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारत के सामने 194 रन का टारगेट रखा, जिसके जवाबी कार्रवाई में सचिन और गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। ब्रेटली के पहले ओवर की पहली गेंद, जहां गांगुली ने प्रहार तो किया था पर बल्ले और गेंद में कोई कनेक्शन नहीं, पहली गेंद डॉट बॉल। और फिर उसकी अगली ही गेंद पर गांगुली कीपर के हाथों में कैच दे बैठते हैं और 0 के स्कोर पर ही भारत को पहला झटका लग जाता है। भारत को शुरुआती झटका देकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी घमंड से अकड़ चुके थे, तब टीम इंडिया की लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए दिनेश कार्तिक को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है। लेकिन कार्तिक भारतीय पारी को क्या संभालेंगे, वो तो खुद को ही संभाल नहीं सके और बिना खाता खोले कार्तिक भी पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। और यहाँ युवराज सिंह को भी आते ही जबरदस्त यॉर्कर मारा गया, लेकिन युवराज इस यॉर्कर के लिए पहले से ही तैयार खड़े थे। यहाँ से युवराज के साथ मिलकर सचिन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन भारत का स्कोर अभी 38 रनों पर ही था कि तभी क्रिकेट के भगवान सचिन भी 21 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं। और सचिन के इस विकेट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अपनी पकड़ को काफी मजबूत बना चुका था, क्योंकि यहां से युवराज सिंह भी आज संकट मोचक बन भारतीय पारी को संकट से निकाल नहीं पाए और 15 रनों की एक छोटी सी पारी खेल युवराज भी पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। और अब टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद बनकर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए थे, जिनका दूसरी छोर से साथ दे रहे थे रॉबिन उथप्पा, जहां रॉबिन उथप्पा ने कंगारू गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर प्रहार करना भी शुरू कर दिया था और बैक टू बैक 2 चौके लगाकर उथप्पा ने भारत को इस मैच में बनाए रखने की भरपूर कोशिश की। लेकिन आज भारत के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहा था और धोनी जो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे वो भी मात्र 5 रन बना करके ही पवेलियन वापस लौट रहे थे। ये मैच भारत के हाथ से लगभग निकल चुका था, क्योंकि अगले बल्लेबाज इरफान पठान भी अपना खाता तक नहीं खोल पाते हैं और महज 64 रनों पर ही भारत ने अपने 6 मुख्य बल्लेबाजों को खो दिया था। यहां अपने टीम का ये हाल देखकर भारतीय समर्थक भी इस मैच में अपनी हार को कबूल कर चुके थे और खचाखच भरा स्टेडियम भी अब खाली होने लगा था। तब टीम इंडिया के संकट की इस घड़ी में उथप्पा का साथ देने हरभजन सिंह मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। भारतीय टीम का ये हाल देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पॉन्टिंग मानो भारतीय बल्लेबाजों का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन यहाँ रॉबिन उथप्पा ने आगे बढ़कर के गेंद को हवा में ऐसा उड़ाया कि आसमान की सैर करती हुई गेंद सीधे दर्शक दीर्घा के बीच में जा गिर पड़ी। यहाँ रॉबिन उथप्पा किसी भी हाल में हार कबूल करने को तैयार नहीं थे और अगले ओवर में भी उथप्पा ने एक बेहतरीन चौका जड़ भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद को जगा दिया था। लेकिन भारतीय टीम के लिए मंजिल अभी कोसों दूर
थी क्योंकि अभी भी यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 115 रनों की जरूरत थी और बल्लेबाजी के नाम पर सिर्फ एक बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ही क्रीज पर थे। लेकिन जब तक उथप्पा क्रीज पर थे भारत के लिए थोड़ी ही सही पर उम्मीद तो अभी जिंदा थी। यहां ब्रेटली की रफ्तार पर उथप्पा ने कर दिया है एक और जोरदार प्रहार। रॉकेट की रफ्तार से उड़ती ये गेंद देकर जाएगी उथप्पा के खाते में पूरे के पूरे 6 रन। वहीं दूसरी छोर पर हरभजन सिंह ने भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा कि थोड़ी तो बल्लेबाजी मैं भी कर लेता हूं भाई। यहां से भज्जी और उथप्पा ने भारतीय पारी को संभालते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर धावा बोल दिया था। खासकर उथप्पा के ताबड़तोड़ बैटिंग से रिकी पॉन्टिंग जो पहले जश्न मना रहा था अब उसके चेहरे पे टेंशन साफ नजर आने लगा था क्योंकि टीम इंडिया का स्कोर अब 129 रनों तक आ पहुंचा था। लेकिन तभी 47 रनों के निजी स्कोर पर उथप्पा भी LBW आउट करार दे दिए जाते हैं जिससे भारतीय समर्थक मायूस हो चुके थे क्योंकि टीम इंडिया का आखिरी उम्मीद भी अब पवेलियन वापस लौट रहा था। तब भज्जी का साथ देने जहीर खान मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं जहां पहली गेंद पर ही जहीर ने 2 रनों के साथ अपना खाता खोला और फिर एक सिंगल के साथ जहीर ने स्ट्राइक अपने पास रखी। यहां अगले ओवर में भी जहीर खान ने एक बेहतरीन चौका लगाया और मैच में फिर से रोमांच भर दिया। लेकिन दूसरी छोर पर हरभजन सिंह कट शॉट लगाने के प्रयास में स्लिप में कैच दे बैठते हैं और 143 के स्कोर पर भारत ने अपना 8वां विकेट भी गंवा दिया था। लेकिन यहां जहीर का साथ देने आए मुरली कार्तिक ने भी एक बेहतरीन कट शॉट खेल 4 रन भारत के खाते में जोड़े तो रोमांच एक बार फिर से जिंदा हो चुका था। यहां ना तो भारत हारने को तैयार थी और ना ही कंगारू हार मानने को तैयार थे। लेकिन इसी बीच मुरली कार्तिक ने ब्रेटली की रफ्तार पर प्रहार कर एक और चौका अपने खाते में जोड़े तो ब्रेटली गुस्से से तिलमिला उठा। यहां मुरली कार्तिक ने ब्रेटली के धागे खोल ऐसा इंसल्ट किया था जो ब्रेटली को सहन नहीं हो रहा था। लेकिन यहां जहीर खान तांडव मचाने के मूड में आ चुके थे और अगले ओवर में भी जहीर ने एक और बेहतरीन चौका लगा भारत के स्कोर को 171 रनों तक पहुंचा दिया था। मुरली कार्तिक और जहीर खान की इस जोड़ी ने भारत को इस मैच में वापस से जिंदा कर दिया था और प्रेशर अब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के माथे पर आ चुका था और अपने हार को अपनी आंखों के सामने देख कंगारू तिलमिला उठे थे। और ये देखिए यहां ब्रेटली तो बिना मतलब का जहीर खान से पंगा लेकर लड़ने झगड़ने पर उतर आया था जिससे जहीर का दिमाग हुआ गरम और फिर जहीर ने ब्रेटली को क्लच में लेकर गेंद को हवा में ऐसा उड़ाया कि कमान से निकले तीर की तरह गेंद मैक्सिमम के लिए स्टैंड में जा गिर पड़ी। जहीर की इस विस्फोटक पारी ने मैदान पर भूचाल सा ला दिया था और ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ी भी अब खुशी से झूम उठे थे। वहीं दूसरी छोर पर मुरली कार्तिक ने भी कीपर और स्लिप के बीच में से 4 रन निकालते हुए टीम इंडिया को जीत के दहलीज पर खड़ा कर दिया था क्योंकि अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 12 रनों की जरूरत रह गई थी। यहां से जहीर खान ने एक और बाउंड्री लगा भारत के खाते में 4 रन और जोड़े और फिर सिंगल सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारत को इस जीत के और करीब ला दिया था। और फिर मुरली कार्तिक के बल्ले से निकला ये विजयी शॉट इन बल्लेबाजों ने वो करिश्मा करके दिखा दिया था जिसकी किसी ने परिकल्पना तक नहीं करी थी। तो कंगारुओं के घमंड को तोड़कर निस्ते नबूद कर देने वाली टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज इग्नोर मत करना और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।